अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और आज का व्लॉग बिल्कुल डिफरेंट है। आज जो है तो हम जैकेट्स पे बात करने वाले हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी जैकेट चाहिए होती है। लेकिन सबसे पहले आप एक लाइन देख सकते हैं लंबी सी कि आजकल जैसे 2G है तो आपको हर शॉप पर जाने से पहले अपना सर्टिफिकेट और अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होता है। तो ये जो लाइन है ये अभी आपके हाथ में एक बांड सा एक डाल देते हैं, उससे ये होता है कि आप जिस भी शॉप में जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सिर्फ आपने हाथ दिखा देना है कि हाँ ये बाण मेरे हाथ पे लगा हुआ है एंड आप सिंपली इंटर हो सकते हो किसी भी शॉप में। किसी भी शॉप आप जिस मॉल में हो उसका अपना अपना होता है, तो उसके लिए लाइन थी और मैंने वो बाण लगा दिया क्योंकि बार बार वो निकाल के दिखाना अपना सर्टिफिकेट और उसके साथ जो है तो अपना आइडेंटिटी, तो ये भी होता है कि आइडेंटिटी कार्ड कहीं गुम ना जाए। और ये अभी हम बात करने लगे हैं कि हमें जर्मनी में कौन सा जैकेट चाहिए होता है। मुझे इतने साल हो गए हैं, मुझसे भी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं और बहुत गलत गलत जैकेट्स मैं ले चुकी हूँ, लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अब मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया है। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। जैसे अभी आपके सामने ये जैकेट्स नज़र आ रही हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल जैकेट्स हैं। ये आप फॉल में या फिर जो है स्प्रिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विंटर में बिल्कुल भी नहीं। और ये वाला जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल भी विंटर के लिहाज से परफेक्ट है। आप देख सकते हैं ये वाटरप्रूफ भी है और ये जो है तो हाँ ये वाटरप्रूफ है, विंड प्रूफ है, टैप सीम्स है और ब्रीथेबल भी है। तो ये बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, स्नो होती है, बारिश ज़्यादातर होती है, तो ये आपको कवर भी रखती है, गंदा भी नहीं होता, पानी अंदर नहीं जाता, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी याके मिल जाए जिसके साथ फर भी हो हुडी के साथ, तो वो सबसे बेस्ट होता है। उससे ये होता है क्योंकि यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है तो वो आपके कानों को आपके गले को सही से पैक रखती है, बंद रखती है, तो बड़ा अच्छा होता है। तो जब भी जैकेट ले ये 3-4 चीज़ें जो हैं जैसे मैं आपको बता रही थी वो ज़रूर देखें। ये वाली बिल्कुल लाइट याके हैं, जैकेट्स हैं, ये जो है तो आप नॉर्मली जो है तो पहन सकते हैं लेकिन सर्दियों के लिए नहीं है। अभी ये मैं बच्चों की जैकेट्स पे बात कर रही हूँ। ये अभी सामने जो आप देख सकते हैं येलो वाला, ये परफेक्ट है सर्दियों के लिए। आप देख सकते हैं हुडी के साथ फर भी लगा हुआ है और बिल्कुल ही गर्म है अंदर से भी। और ये भी जो है इसकी प्राइस भी इतनी कोई ख़ास नहीं है। एक बात है कि अगर आप एक अच्छी याके लेंगे, बच्चों के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, इट्स ओके अगर आपको कम प्राइस में मिल जाए तो बेस्ट है। जो बड़ों की बात है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि जैकेट बहुत लंबा चलती है यहाँ पर और बार बार चेंज नहीं होती। ये वाली जो जैकेट्स है ये बिल्कुल स्टाइल के लिए है, फॉल के लिए बेस्ट है कि अब हल्की सी अगर हवा चल रही है, थोड़ी सी ठंड है शाम को, तो आप पहन सकते हैं, लेकिन विंटर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और हम जब पाकिस्तान से आते हैं तो हम कहते हैं ये वाली जैकेट मैं लेके चला जाता हूँ, लेके चली जाती हूँ और ये बेस्ट रहेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की जैकेट्स में और यहाँ जर्मनी की जैकेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि यहाँ की सर्दी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चलती है। कभी कभार ऐसा हो कि आप कुछ नॉर्मल सी जैकेट पहन के बाहर जाएँ तो लक पता जाता है, आप जैसे लग रहा होता है आपके कान उड़ रहे हैं सही से। और ये वाली जैकेट जो है तो ये भी बच्चियों के लिए है, लेकिन इसमें यही है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है। इसके पास फर तो है लेकिन यह है कि ये वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बारिश होगी या फिर स्नो होगी तो उसमें डेफिनेटली जो है तो ये गीला हो जाएगा। तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप अपने माइंड में वो चीज़ रखें जो कि रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बारिश बहुत ज़्यादा होती है, स्नो भी होती है और बच्चे जो है तो खेलते हैं तो गंदा भी बहुत जल्दी होता है। तो ऐसा आपको एक मटीरियल वाला जैकेट्स लेना चाहिए जो कि एक लॉन्ग टर्म में चल सके। अगर बच्चों का है तो एटलीस्ट 2 साल तक तो वो चले ही। जैसे ये अभी ये वाला जैकेट है तो ये बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ भी था, विंड प्रूफ भी था, ब्रीथेबल भी था, इसके साथ हुडी भी है, लेकिन फर नहीं है। फर होगा तो वो बेस्ट होगा क्योंकि उससे जैसे मैंने पहले बोला हवा बहुत तेज चलती है यहाँ पर, तो ये आपको प्रोटेक्ट करती है। ये वाला जैकेट आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉलर तक है आपका, बिल्कुल गला इसके साथ फिट गर्म रहता है, लेकिन इसके साथ फर नहीं है, फिर भी चल जाता है। लेकिन जैसे ये वाली जैकेट है इसके साथ फर भी है हुडी के साथ, तो ये परफेक्ट है सर्दियों के लिहाज से, गर्म भी होती है। दोबारा से हम इस जैकेट पे, ये जैकेट बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं इसके साथ जो है तो हुडी जो है उसके साथ फर भी है, अच्छा खासा जो कॉलर है वो भी गर्म है, तो ये भी बड़ा अच्छा है और वाटरप्रूफ भी है, विंड प्रूफ भी है, ब्रीथेबल भी है। तो ये चीज़ें हमेशा अपने माइंड में रखें कि जब भी आपने जैकेट लेनी है तो ये 3-4 चीज़ें आपके माइंड में हो। हाँ एक्सपेंसिव ज़रूर होती है। आज जो है तो मैं सेवनडा में हूँ, सेवनडा में तो बहुत रीज़नेबल जैकेट्स मिलती हैं। अगर आप इससे एक अच्छी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ और भी ज़्यादा
ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। बच्चों की जो जैकेट्स होती है वो 100-200 से कम की बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, सियोंडा हो गया या फिर H&M हो गया, इस पर फिर भी आपको 50-60-70 के रेंज में अच्छी याके मिल जाती हैं। लेकिन वही अगर आप यही 70 यूरो तक इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे की जैकेट पर, तो आपको फिर सोच समझ के वो चीज़ लेनी चाहिए, ताकि एक दो सीज़न तो चल ही जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि एक साइज़ बड़ा ही लूँ अपने बच्चों का, ताकि थोड़ा सा आगे भी चल जाए। ये वाला आप देख सकते हैं जैकेट बहुत ज़बरदस्त है, खोल के मैंने देखा है, आप देख सकते हैं अंदर कॉलर के नीचे इतना ज़बरदस्त गर्म लंबा भी है, और दूसरा ये है इसके साथ हुडी के साथ फर भी लगा हुआ है, तो ये बेस्ट है बच्चों के लिए। अभी जो है तो थोड़ा सा ये बड़ों की तरफ हम आ चुके हैं, और ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, कलर मेरा फेवरेट है रेड, इसलिए मैंने इसको खूबसूरत बोला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है सर्दी के लिहाज से, ये भी अच्छा है क्योंकि ये वो है वाटर प्रूफ है। तो ये चीज़ें ज़रूर अपने माइंड में रखें जब भी आपको जैकेट लेनी होती है। लेकिन वही इसके साथ जो है तो फर नहीं है, लेकिन यू नो कुछ चीज़ें, कुछ लोगों को फ़र पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता, कुछ जो है तो बिल्कुल ही ओरिजिनल वाला लेना चाहते हैं। मैं आई एम नॉट फैन ऑफ दैट, लेकिन यह है कि फ़र वाला मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरे भी जो दो जैकेट्स हैं उसमें जो है तो फर लगा हुआ है, आई लव्ड इट। और मैं बच्चों के लिए भी कोशिश करती हूँ वैसा लूँ, आई होप कि मेरी वीडियो से आपको कुछ अच्छे टिप्स मिले होंगे और आप उससे बेनिफिटेड होंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस हैं जो डिफरेंट जैकेट्स हैं, डिफरेंट मौसम में डिफरेंट जगहों पे यूज़ होती है, उसकी वीडियोज़ मैंने डाली हैं और आप इसको इन्जॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को अपनी खास दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Thank you.